8 जून को पुलिस की बर्बरता विदिशा के पूर्व सैनिक पर की गई, जिसके विरोध में गंज बासुदा के सेवा निर्मित सैनिकों ने भारत के रक्षा मंत्री के नाम पुलिस कर्मियों पर कार्यवाही करने की मांग करते हुए एसडीएम राजेश मेहता को एक ज्ञापन सौंपा। वहीं कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात कही गई। देशभक्ति जनसेवा की शपथ लेकर पुलिस विभाग में भर्ती होने वाले पुलिस के जवानों ने एक पूर्व सैनिक पर बर्बरता दिखा दी। 8 जून को विदिशा के पूर्व सैनिक सुनील शर्मा को पुलिस कर्मियों ने अमानवीय व्यवहार किया, साथ ही थर्ड डिग्री टॉर्चर किया, उसके साथ मारपीट की, झूठे केस में फंसाने की भी बात कही और मोबाइल छीनकर घंटों परिवार से संपर्क नहीं करवाया। विदिशा की घटना को लेकर बासुदा में पूर्व सैनिक संगठन ने रक्षा मंत्री के नाम पुलिस कर्मियों से कड़ी कार्यवाही करने की मांग को लेकर एसडीएम राजेश मेहता को एक ज्ञापन भी दिया। वहीं उन्होंने बताया कि गलती से सैनिक दुश्मन खेमे में बंदी बनाया जाता है तो वहां भी सैनिक का नाम पद पूछकर तत्काल यूनिट में सूचना दी जाती है और सैनिकों को सम्मान दिया जाता है, लेकिन पुलिस कर्मियों ने पूर्व सैनिक का सम्मान नहीं किया, जिसके विरोध में पूर्व सैनिक संगठन सड़क पर उतरा है। पुलिस कर्मियों को कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने की बात कही गई है। निवास रहते हैं, उनके साथ गलत तरीके से उनको गिरफ्तार करके उनके साथ मारपीट की गई और उनसे पैसों की मांग की गई और जब नहीं दिए गए तो उन्होंने गलत केस में फंसाने की धमकी दी गई। उनको परिवार से संपर्क नहीं होने दिया उनका और जब उनको गलत आरोपों में फंसाकर उनको धमकी दी गई है, उनके साथ मारपीट की गई है। इस तरीके का सैनिक के साथ एक व्यवहार बिल्कुल कदापि नहीं चलेगा। ये अमानवीय कृत्य, दुश्मन देश भी अगर कभी जो है उनको बंदी बना लेते हैं तो नाम, रैंक और नंबर पूछकर उनके यूनिट में खबर दी जाती है, लेकिन इस केस में ऐसा कुछ भी नहीं किया गया। उन्होंने अपना परिचय दिया था, उसके बाद भी जो बर्बरता दिखाई गई है, हम लोग दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ जांच की मांग कार्रवाई करते हुए कार्रवाई की मांग कर